What's up guys? Guys, आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने GTA Vice City में एक बहुत ही ज्यादा awesome mode install करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी अपने PC के अंदर GTA Vice City को play करना पसंद करते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज ये मोड बहुत ही ज्यादा awesome है। इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस मोड का नाम है Vice Extended 3.0। ये एक फीचर्ड मोड है हमारे GTA Vice City के लिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपकी GTA Vice City के अंदर बहुत से न्यू फीचर्स ऐड हो जाएंगे। लाइक आप लोग अपनी कार को मॉडिफाई करा सकते हो, आपकी कार के अंदर इंडिकेटर लाइट्स ऐड हो जाएंगी, आपके पेट के वेरिएशंस ऐड हो जाएंगे, गेम के अंदर न्यू व्हीकल्स ऐड हो जाएंगे और आप लोग अपने ड्राइव के अंदर वेपन्स यूज कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपको इसके अंदर बहुत से न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद। इसके अलावा मॉडर्न गेम्स की तरह इसके अंदर कैमरा मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं पहले आपको एक बार बता दूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी आगे नुकसान हो। तो इस मोड के लिए आपको बिल्कुल फ्रेश गेम चाहिए, आपकी गेम के अंदर कोई मोड इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, कोई बेसिक मोड इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। जस्ट आपको एक फ्रेश कॉपी चाहिए इस मोड को स्मूथली प्ले करने के लिए। तो इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी आप लोग उस पर क्लिक करना है, देन आप लोगों ने Vice एक्सटेंडेड मोड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर आपको जो मोड है वो डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर मेरा ये फोल्डर है जिसके अंदर जो मोड है वो यहाँ पर सेव है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग उस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप लोगों ने अगेन उस वेबसाइट पे आना है एंड देन डाउनलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको दो दो दफा यहाँ पर पासवर्ड दिख जाएगा। पासवर्ड है लिबर्टी सिटी। तो यहाँ पर हम लोग इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, पूरा हम लोग पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और हमारा जो मोड है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है एंड देन आपको एक और फाइल देखने को मिलेगी, आप लोगों ने इस पर भी राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और हमारा जो मोड है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने इस फोल्डर में आना है एंड देन आप लोगों ने गेम फाइल्स के फोल्डर में आना है। इस फोल्डर को आप लोगों ने एक साइड पर लगा देना और दूसरी साइड पर अपनी GTA Vice City की फ्रेश गेम की डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग GTA Vice City के फ्रेश गेम में चलते हैं और ये हमारी GTA Vice City की बिल्कुल फ्रेश कॉपी है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सारी फाइल्स को सिलेक्ट ऑल करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी GTA Vice City की मेन डायरेक्टरी के अंदर कुछ इस तरीके से। और मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि इस मोड के लिए आपको गेम बिल्कुल फ्रेश चाहिए, कोई मोडेड वर्जन नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको फ्रेश गेम की कॉपी चाहिए। इसके अलावा कोई बेसिक मोड आपको नहीं चाहिए। तो इसके बाद हमारी गेम के अंदर हमारा जो मोड है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको क्राउच एनिमेशन सबसे पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर वेपन्स के साथ। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्राउच एनिमेशन में भी हमारा कैरेक्टर वॉक कर रहा हो कुछ इस तरीके से, फ्लिप भी मार रहा है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, हमारे कैरेक्टर की पूरी मूवमेंट चेंज हो चुकी है। इसके अलावा आप लोग हेवी वेपन्स के साथ भी स्प्रिंटिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमें गैरेज के साथ एक और गैरेज देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप लोग अपनी व्हीकल को मॉडिफाई करा सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी हम लोग उसको लेके चलते हैं अंदर। यहाँ पर हमारी व्हीकल जो है गैरेज में आ चुकी है और इसको बंद होने के बाद ये हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं जिनमें आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इंजन ब्रेक सारे ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज के टिंट आप लोग चेंज करवा सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग अपनी कार के व्हील भी चेंज करवा सकते हो और इवन व्हील के कलर्स भी आप लोग चेंज करवा सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग स्पॉयलर भी लगा सकते हो अपनी गाड़ी के ऊपर और यहाँ पर आप लोग साइड स्कर्ट भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। बहुत सारी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है हमारी GTA Vice City की कार्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देंगे इसको। उसके अलावा अगर मैं आपको गेम के ऑप्शन दिखाऊँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर में काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। ग्राफिक सेटिंग अलग हो चुकी है, अदर सेटिंग आ चुकी है, कंट्रोल्स के अंदर भी हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैप के अंदर आप लोग मार्कर कहीं भी लगा सकते हो और आपको उसकी लैन भी देखने को मिलेगी एज लाइक GTA San Andreas। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फोटो मोड देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग कोई भी स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। पूरे के पूरे सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप लोग कुछ भी कर सकते हो अपनी गेम के अंदर, टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर को किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर हैं जिन्हें आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो कैरेक्टर है वो ड्राइव बे में भी फायरिंग करेगा। फर्स्ट पर्सन के अंदर भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ड्राइव बे के अंदर हमारा कैरेक्टर वेपन को यूज कर रहा है और यहाँ पर आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो कि बारिश का जो पानी है हमारी गाड़ी के ऊपर कैसे गिर रहा है। फुल न्यू फिजिक्स भी हमारी गेम के अंदर ऐड हो चुकी है हमारे ओरिजिनल GTA Vice City के अंदर। गाइस ये थी आज की वीडियो जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी GTA Vice City के अंदर एक्सटेंडेड मोड को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल में अच्छा को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।